नमस्कार सिटी 18 ले स्वागत स्टुडियो में पापड़ी और प्रथम तो खबर सागरियों घूर्णीटाउटी गुजरात महाराष्ट्र केरला जारी करा व्यापक सतर्कता कर्णाटक तमिलनाडु तो लिया सतर्कता तीन दिन भरते सागरियों घूर्णिये विध्वंसी रूप धारण इतिम्य जारी करा सतर्कवाणी भारतीय बतर विज्ञान केन्द्र जारी कर सतर्कवाणी उद्धार अभियान सजु 53টা এনডিআরএফৰ দল পাঁচ ৰাজ্যত মোতায়েন কৰা হৈছে এনডিআরএফৰ দল আৰু ভাগৰত আৰম্ভ হৈছে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ দক্ষিণাত্য ৰাজ্যসমূহত পৰিছে ধুমুহা বৰষুণৰ প্ৰভাৱ আৰু ভাগৰৰ দক্ষিণ পূব অঞ্চলত খুন্দা মাৰিব টাটিয়ে দক্ষিণ পূব অঞ্চলৰ পৰা উত্তৰ আৰু উত্তৰ পশ্চিমলৈ গতি কৰিব সাগৰীয় ঘূৰ্ণী টাটিয়ে উদ্ধাৰ অভিযানত সহায়ৰ বাবে সাজু হৈ আছে ভাৰতীয় নৌসেনা সাজু হৈ আছে ডুবাৰু আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল সাজু কৰা হৈছে জাহাজ বিমান হেলিকপ্টাৰ পুনৰ এবাৰ কৈছো सागरियों घूर्णीटाउटी जार बारे इतिम्य सजु एक एनडीआरएफर दल सजु गुजरात महाराष्ट्र केरला जारी करा व्यापक सतर्कता कर्णाटक तमिलनाडु सतर्कता लिया तीन दिन भर सागरियों घूर्णिये विध्वंसी रूप लोर सम्भावना आज सतर्कवाणी इतिम्य जारी करा भारतीय बतर विज्ञान केन्द्र यह सतर्कवाणी जारी कर पुनः कैसो सजु एनडीआरएफर 53টা दल और यह मुहूर्त आम संयुक्त होमार सांबादिक मनु भारती गए मनु भारत अधिक जानीम केरलत आए केरलार संबददाता मनुजी पहले तो हम जानना चाहेंगे फिलहाल इस वक्त की ताजा जानकारी आपसे पहले जान लेंगे हम हाँ केरला में अभी मैं अभी कन्नूर में है कन्नूर में अभी बारिश थोड़ा कम हो गया है लेकिन कल रात से इधर बहुत ज्यादा बारिश है वी हैड इंटरमिटेंट रेन्स सिंस एस्टरडे अभी तो थोड़ा कम हो चुका है जो साइक्लोन लक्षद्वीप के सामने जो शुरू किया है वो केरल के ऑफिस कोस्ट ऑफ कन्नूर फ्रॉम हियर वेर आई एम स्टैंडिंग 290 किलोमीटर्स फार फ्रॉम फार टू द सी द साइक्लोन मूव पैरेलली थ्रू द कोस्टल लाइन ऑफ कन्नूर एंड दैट हैज अफेक्टेड केरला तो आप देख सकता है द रफ सी कितना सी रफ है और इसमें हवा देर इज हैवी विंड that was in the shores of Kerala. The fishermen community has been warned not to go into the sea since yesterday. They are all keeping away from sea and the authorities, the prashasan ne jo idhar ka coastal areas mein jo rehne wale ko they have clear indication have been given that they should shift to the houses of relatives or to the relief camps. Manu, 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 due to notice, due to, yeah, जी मनु ड्यू टू नोटिस इट्स केरला रिसीव हैवी रेनफॉल स्ट्रॉम आपके पास और क्या जानकारी हो सकती है आपने कहा कि फिलहाल वहां पे बारिश थम गया है जबकि जानकारी के मुताबिक वहां पे हैवी रेनफॉल होने वाला है और तीन दिनों में शायद ये जो माहौल है ये जो परिस्थिति है ये चेंज हो जाएंगे लगातार ये चेंज होने की मतलब दावेदार है और बताया गया है कि लगातार चेंज हो जाएगा मौसम जो है लगातार चेंज होगा और उसके वजह से जो एनडीआरएफ है उसका वो लोग भी मतलब अभी पूरी तरह से तैयार है रेस्क्यू टीम पूरी तरह से तैयार है मनु भारत हाँ रेस्क्यू टीम पूरी तरफ से तैयार है एनडीआरएफ स्टेशन है और आर्मी का टीम कन्नूर में भी और कासरगोड और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी और तैयार है अगर कोई घटना है तो इमीडिएट एक्शन के लिए इधर डीएससी डिफेंस सिक्योरिटी कोर का एक आर्मी टीम भी इधर कन्नूर में है और एक टीम कासरगोड भी इधर से भेज चुका है और हमारे यहाँ जो अगर कोई प्रॉब्लम्स इस हेवी विंड्स और मानसून के तरफ वाटर लॉगिंग है कोई किसी का घर में बहुत सारे लोगों की घर में वाटर लॉगिंग है और उनका द हाउसेस दे आर गेटिंग कोलैप्स्ड सम ऑफ देम देयर इज हेवी ट्री फेलिंग इन सम प्लेसेस सो द हाउसेस एंड द ड्वेलिंग्स ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय द फॉल ऑफ ट्रीज सो इस तरह का जो घटना होता है उसमें लोगों को मदद करने के लिए ये फोर्सेस को डिप्लॉय किया है लेकिन जो मैं अभी कन्नूर में है इधर कोस्टल एरिया में जो डेंसिटी पॉपुलेशन कम है लेकिन जो जगह कोच्ची जैसा जगह है उधर बहुत सारे लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उधर पानी वाटर लॉगिंग इज मोर सीरियस देन इन कन्नूर द सी इज सो रफ सो इट लीड्स टू वाटर लॉगिंग एंड इन कन्नूर में थोड़ा वाटर लॉगिंग कम है लेकिन कोच्ची जैसा जगह में there are more water bodies उधर water logging बहुत ज़्यादा है और
लोगों को बहुत परेशान हो चुका है। इसी जगह से बहुत सारे रिलीफ कैंप शुरू किया है और कोरोना एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। इधर केरल में कोरोना का स्पाइक हो चुका है, इसलिए जो लोग रिलीफ कैंप्स में आता है उनको टेस्ट करता है, फिर वो रिलीफ कैंप्स में रहता है। जो टेस्ट नहीं किया है उसको अपने रिलेटिव्स के जगह में भेज चुका है और कोविड प्रोटोकॉल्स रिलीफ कैंप्स के में मेंटेन करने के लिए भी वो मेरा कोशिश इधर हो रहा है। और सभी जगह में कंट्रोल रूम्स को शुरू किया है, जिनको जो कोई प्रॉब्लम्स है हर तालुक में कंट्रोल रूम तहसीलदार इसका लीड करेंगे और हर तालुक में कंट्रोल रूम शुरू किया है और हर विलेज में रिलीफ कैंप्स का रिलीफ कैंप शुरू करने के लिए भी तैयारी है। इधर कन्नूर में अभी कन्नूर मतलब मनु अगर हम देखें तो प्रशासन जो है जी जी मनु अगर हम देखें आपने जितना भी बताया अगर हम इस पर अगर हम देखें या फिर हम समझे कि अब पूरी तरह से मतलब प्रशासन रेडी है तैयार है। और जब भी जबकि हम लोग बोल रहे हैं कि तीन दिनों में यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है स्टॉर्म हो रहा है, लेकिन जब भी ये साइक्लोन की जो मतलब साइक्लोन आएंगे या फिर ज्यादा बढ़ जाएंगे उसी वक्त तैनात है, सब कुछ रेडी है, प्रशासन पूरी तरह से रेडी है। लेकिन मनु आपने एक मुद्दा उठाया कि कोविड प्रोटोकॉल भी मतलब जानना जरूरी होगा, क्योंकि जो रिलीफ कैंप में लोगों को वहां पे रखा जाएगा तो उन लोगों के बीच में जो कोविड प्रोटोकॉल होंगे, डिस्टेंस मेंटेन की बात होगी, खाना वाना की बात होगी, तो ये सब भी मद्देनजर रखना पड़ेगा उस वक्त मनु। हाँ हाँ, जो लोग रिलीफ कैंप्स में आएगा उनको पहला कोविड टेस्ट एंटीजन टेस्ट करने का वो सुविधा है उधर। उसके बाद वो जब उसके टेस्ट में जो लोग नेगेटिव हो गया है उसको रिलीफ कैंप्स में रह सकता है, जो लोग पॉजिटिव है उनको तुरंत अस्पताल भेजने के लिए भी उसका सुविधाएँ है उधर। और जो लोग अपनी रिलेटिव्स के घर में रहना चाहता है उनके लिए भी गाड़ियाँ वहाँ वगैरह देता है, और जिन लोगों को हॉस्पिटल जाना है उनके लिए एम्बुलेंस की भी तैयारी हो चुका है। पुलिस पेट्रोलिंग हर जगह में है, लेकिन अभी आप भी इधर ही देख सकता है पुलिस इस कोस्टल एरिया में अभी पुलिस का पेट्रोलिंग है। कोई किसी को प्रॉब्लम है लोग उन पुलिस से बात कर सकता है, और फायरफोर्स का भी तैयारी कर चुका है। फायरफोर्स अगर ट्री फायर कॉलिंग या कोई किसी तरह का प्रयास है, लोगों को एम्बुलेंस चाहिए या कोई दूसरा तरीके का मदद चाहिए, उसके लिए भी सारी तैयारी हो चुका है। इस तरह का जो कोविड प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली मेंटेन करने के ज़रूरत है ये प्रशासन ने लोगों को बता चुका है और इसके लिए पूरी तैयारी किया है। जो इस तरह का सुविधा है, बहुत सारे स्कूल्स अभी जो फंक्शन नहीं कर पा सकता है, इस स्कूल्स में कोविड प्रोटोकॉल्स मेंटेन करके रिलीफ कैंप शुरू करने के लिए लोकेट कर चुका है, उधर पानी वगैरह का बंदोबस्त किया है। लेकिन इधर कन्नूर में बहुत सारे लोग इस तरह का जो गवर्नमेंट का रिलीफ कैंप्स में नहीं गया है, लेकिन जो जगह कोच्ची जैसा जगह है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट और कैलिकेट जो मेन सिटी से केरल का, उधर रिलीफ कैंप्स है, उस रिलीफ कैंप्स में इस तरह का पूरा बंदोबस्त कर चुका है जी, मतलब कोविड का पूरा बंदोबस्त है। और शुक्रिया अभी मनु भारत जी, हम आपको इस वक्त के लिए हम विदा लेते हैं आपसे, लेकिन 7:50 पर हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और डिटेल्स में हम लेंगे। अब इस वक्त के लिए आपको शुक्रिया मनु जी। আমি ইতিমধ্যে কৈছো যে এনেধৰণে হস্তম হৈ আছে, আমাৰ সাংবাদিক মনু ভাৰতে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে তাত সাজু হৈ আছে, এনডিআৰএফৰ টীম সাজু হৈ আছে, আৰু যিহেতু তিনি দিনৰ ভিতৰত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ এটা আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, ধাৰাসাৰ বৰষুণ, কিন্তু কোনো কোনো ঠাইত সেই বৰষুণৰ প্ৰভাৱ আজিৰ দিনটোত কিছু কমা বুলি বোধ হৈছে বা কৈছে শেহতীয়া যি খবৰ, শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি। কিন্তু তথাপিতো যিহেতু আমি কৈছোঁ যে তিনিদিন আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণি টাউটি, গতিকে টাউটিয়ে কি ৰূপ ল'ব, কি বিধ্বংসী ৰূপ ল'ব, তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে গুজৰাট, মহাৰাষ্ট্ৰ, কেৰালাত। আৰু ইতিমধ্যে আমি সমান্তৰালভাৱে জনাই গৈছোঁ যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ 5 ৰাজ্যত পৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ডিফুট ব্যৱসায়